बिरयानी है, पुलाव है, चने वाली बिरयानी देख सकते हैं आपके ये भगोने में आपके लिए तो क्या चीज है माशाल्लाह। बिरयानी या पुलाव जो भी है आपके पास, अपने पास बिरयानी है, पुलाव है, पुलाव है अपने पास। अच्छा, चिकन वाला पुलाव है। अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो कि देहात से शहर में मुंतकिल हुई है, और हमारे घरों में चावल सिर्फ तब बनता था जब कोई त्यौहार होता था या मेहमान आए हुए थे। शहरों में मुंतकिल हो गए, बहुत अरसे तक मुझे इस बात का इल्म नहीं हो पाया कि पुलाव और बिरयानी में आखिर फ़र्क क्या है। गुज़श्ता दिनों एक साहब का मैसेज मौसूल हुआ जो कि कराची से थे, और वो ड्राइव करते हुए, जिसे कहते हैं लॉन्ग ड्राइव पे आना, वो बिल्कुल खास आए यहाँ। उनका बिरयानी खाने को दिल किया और उन्होंने स्टेशन चौक पर कहीं बिरयानी की दुकान, रेस्टोरेंट, ढाबा टाइप देखकर वहाँ गाड़ी रोकी। बाहर लिखा हुआ था बिरयानी टेस्टी और ये वो। उन्होंने खाए और उन्होंने कहा कि यार ये तो बिरयानी नहीं है, ये तो पुलाव है। और उन्होंने चूंकि ये कमेंट मुझे किया था, तो मेरे दिल में ये थी हसरत कि यार मैं भी जानूं आखिर बिरयानी और पुलाव में फ़र्क क्या है। अब आप हंसना चाहते हैं तो हंसिए मुझ पर, मैं आपको मौका फराहम करता हूं कि मुझे खुद इस बात का गुज़श्ता दिनों पता चला कि बिरयानी और पुलाव में आखिर फ़र्क क्या होता है। आप जानना चाहते हैं या आपको इल्म है तो माशाल्लाह, वगरना मुझे ऐसे लगता है कि मुझ जैसे और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस बात का इल्म नहीं होगा कि बिरयानी और पुलाव में आखिर फ़र्क क्या होता है। मैं मीरपुर खास की मेन शाहरा MA जिना रोड पर मौजूद हूं, और यहां पर मीरपुर खास की जो मशहूर बिरयानी के स्पॉट हैं, बल्कि अब मैं क्या कहूं कि बिरयानी के हैं या पुलाव के हैं, ये तो चलने के बाद पता चलेगा। तो मैं लेकर जाता हूँ आपको कुछ ऐसी दुकानों पर, उनसे पूछते हैं कि आखिर बिरयानी और पुलाव में फ़र्क है क्या। यहाँ पर लिखा हुआ है चिकन तह वाली बिरयानी। भाईजान अपने पास बिरयानी है, पुलाव है, पुलाव है अपने पास। तो बिरयानी के पहले लगाते थे आप? अच्छा अच्छा, ये दिखाइएगा कैसा पुलाव है और क्या चीज़ है इसके अंदर। अच्छा, चिकन वाला पुलाव है, ठीक है, ये पुलाव है, बिरयानी नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे बिरयानी नहीं मिली, मुझे पुलाव मिला है। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा। एक और दुकान है यहाँ पर बल्दिया शॉपिंग सेंटर में। सर क्या है अपने पास, बिरयानी है, पुलाव है? बिरयानी है। तो पुलाव कैसा होता है? पुलाव तह वाला होता है। पुलाव तह वाला होता है जी। भाई ये कह रहे हैं कि पुलाव तह वाला होता है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ूंगा, मैं कोई माहिर कुक नहीं हूँ, ठीक है। तो भाई के पास वो कह रहे हैं चने वाली बिरयानी है इनके पास, और वो कह रहे हैं कि पुलाव तह वाला होता है, लेकिन मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा क्योंकि मुझे कुछ और पता चला है। एक और है, वैसे हर जगह बिरयानी लिखा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन इस दुकान पर मुझे नज़र आया लिखा हुआ चिकन पुलाव। तो इनसे पूछते हैं कि भाई पुलाव कैसा है आपका और बिरयानी कौन सी होती है। तो मेरे भाई क्या है, देख सकते हैं आपके ये भगोने में आपके लिए तो क्या चीज़ है माशाल्लाह। अच्छा, ये पुलाव है? हाँ, ये पुलाव होता है। तो वहाँ भी वैसा ही था? अच्छा अच्छा, आपके पास ये पुलाव है, बिरयानी नहीं है। चले ठीक है, मैं वापस लौट कर आता हूँ और बिरयानी और पुलाव का फर्क जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये मेन हैदराबाद रोड जो मैंने आपको बताया, MA जिना रोड, वहाँ है। अच्छा, ये भी एक दुकान है, दिल्ली चिकन और हलीम मसाला बिरयानी टाइप कुछ है, ठीक है। इनसे पूछ लेते हैं भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अपने पास बिरयानी है या पुलाव है? पुलाव, चिकन पुलाव। तो लिखा हुआ तो हर जगह बिरयानी है, ये फिर ये। अच्छा, बिरयानी खाई नहीं जाती, ठीक है। आप, अच्छा आप मेन काउंटर पर आप बैठे हैं, तो यार ये क्या आखिर इसमें रीजन क्या है? ये है तो हर जगह पुलाव, तो लिखा हुआ बिरयानी होता है इसके नीचे। मीरपुर खास में पुलाव को बिरयानी बोलते हैं। अच्छा, मीरपुर खास में पुलाव को बिरयानी बोलते हैं। और इन भाई ने बताया कि हमारे पास है तो पुलाव, लेकिन नाम बिरयानी है, यानी कि मीरपुर खास में पुलाव को बिरयानी के नाम से जानते हैं। तो एक और दुकान भी है, ये शॉप सबसे मशहूर है, सुना है, लोग यही कहते हैं। तो चलें, इन्होंने भी दिल्ली चिकन बिरयानी लिखा हुआ है, तो इनसे पूछ लेते हैं।
ये एक मज़ार शरीफ है यहाँ पर और मज़ार वाली बिरयानी के नाम से भी मशहूर है। अस्सलामुअलैकुम दोस्त, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? तबीयत मिजाज बखैर है? सर अपने पास बिरयानी है, पुलाव है? पुलाव है। तो ये अक्सर लिखा हुआ तो बिरयानी होता है, यहाँ के हिसाब से जो है ना ये बिरयानी बोलते हैं पुलाव। ये सुना है कि सबसे मशहूर दुकान यही है और इनके पास जरदा भी है मीठा और रायता वायता भी है। सर ये लुक देख सकते हैं आपकी बिरयानी या पुलाव जो भी है आपके पास? ठीक है, गुड। तो कहने का मकसद है लिखा हुआ हर जगह बिरयानी होता है लेकिन वो कह रहे हैं कि बिरयानी है नहीं, ये पुलाव है। तो ये तो किस्सा हो गया एम ए जना रोड का, लेकिन मीरपुर खास में मशहूर फूड स्ट्रीट या बिरयानी या पुलाव बिकने के जो मुकाम हैं वो सिर्फ यही नहीं है, गरीबाबाद और हीराबाद भी। यहाँ पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ मैं, इस हाथ पर गली में मकरानी मस्जिद है गरीबाबाद की, और आज स्पेशली मैं आया हूँ मीरपुर खास की जो सबसे अच्छी बिरयानी है, कहते हैं बिरयानी, वो है या नहीं है वो तो फिर हम करेंगे उसका खुलासा आखिर में। तो ये एक इमरान भाई का ठेला है, सुना है कि ये भी खासा फेमस है पिछले 10-15 साल से, उससे पहले कोई और होंगे उनके बारे में मुझे मालूम नहीं है। तो देखते हैं इनके पास क्या है, बिरयानी है या पुलाव है क्या है। भाजन ये बिरयानी है पुलाव है? चने वाली बिरयानी। अच्छा तो पुलाव नहीं, पुलाव भी होता है यहाँ? अच्छा एक ही चीज़ है। तो ये जो भाई हैं वो ये कह रहे हैं बिरयानी बोलो या पुलाव बोलो एक ही बात है, लेकिन आपको पता है कि ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि ये एक है नहीं। चलें यहाँ से चलते हैं हीराबाद। जब मैं लोगों से पूछ रहा था कि यार बिरयानी और कहाँ कहाँ की मशहूर है तो मुझे हीराबाद में 2 से 3 जगहों की बताया गया कि बिरयानी बहुत मशहूर है। ये सामने नीम वाली गली है सर, नीम वाली गली के बिल्कुल सामने इस तरफ रफीक भाई हैं। रफीक भाई की है ना ये? रफीक भाई की। ये कहते हैं कि चने वाली और अंडे वाली बिरयानी है, लेकिन बात फिर वही है कि आखिर बिरयानी कौन सी है और पुलाव कौन सा है। तो ये है रफीक भाई की बिरयानी, ये बिरयानी मैं कह रहा हूँ, सवाल में पूछूंगा अभी। तो ये वाकई बिरयानी है या ये सिंध की एक मखसूस जो राइस डिश है पुलाव है? भाईजान ये बिरयानी है या पुलाव है? पुलाव है, भाई ने मान लिया है, मगर ना अमूमन जहाँ मैं गया हूँ वो ज्यादातर लोग बिरयानी ही बताते हैं, अब वजह क्या है ये तो फिर बाद में हम बताएंगे। तो ये है चने वाला रफीक भाई का पुलाव जो कि हीराबाद में है। हीराबाद में 1-2 और स्पॉट भी ऐसे हैं जिनकी बिरयानी या पुलाव मशहूर है, अब मुझे वहाँ जाना है। स्पेशली एक नाम आपके भी जहन में आ रहा होगा जिनका ताल्लुक मीरपुर खास से है, वो है हाजी बेदरिया साहब, वहाँ चलते हैं। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप हमारी वीडियो के साथ अभी तक जुड़े हुए। हीराबाद में आएँ और बिरयानी या पुलाव का जिक्र हो तो हाजी बेदरिया साहब को कैसे भूल सकते हैं, बहुत मशहूर, बहुत फेमस, बहुत सारे लोगों के मुंह में ये टेस्ट अभी तक होगा। इनसे पूछते हैं कि आखिर इनके पास बिरयानी है या पुलाव है। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक हैं। तो भाई अपने पास क्या है, बिरयानी है या पुलाव है? पुलाव, चिकन पुलाव। सही सही सही। तो ये हाजी साहब कहते सब लोग इसे बिरयानी है, उसकी क्या वजह है? बिरयानी कहते हैं लेकिन है पुलाव, है पुलाव। बिरयानी अलग होती है जी। अच्छा ते वाली होती है जी। अच्छा जो वो बिरयानी तो हाजी साहब भी ये बता रहे हैं कि भाई जो तह वाली होती है मसाले वाली वो बिरयानी होती है। तो अभी तक मुझे मीरपुर खास में जितनी शॉप्स पर मैं गया हूँ मुझे फिर सच में बिरयानी नहीं मिली, पुलाव ही मिला है, और ये इनका पुलाव यहाँ पर खासा फेमस है। तो यहाँ से एक और जगह है, सुना है वहाँ का पुलाव या बिरयानी वो लोग कहते हैं वो अच्छी है, वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। हीराबाद चौक में ही सामने अगर आप नज़र दौड़ाएंगे मगरिब की तरफ तो अरशद साहब मिलेंगे आपको, अरशद बीफ बिरयानी। यहाँ भी बिरयानी लिखा हुआ है, ढूंढते हैं कि इनके पास वाकई बिरयानी है
अस्सलाम वालेकुम सर, अपने पास बिरयानी है या पुलाव है? पुलाव। यार ये चक्कर तो मुझे समझाओ फिर, हर जगह बिरयानी क्यों लिखा हुआ होता है? बिरयानी मशहूर है चावल वाला। अच्छा, तो बिरयानी कहीं बिकती है और मेरे को खास है? कहाँ? यार मैं तो सारी बाजार की मेन बड़ी दुकानें घूम कर आ गया हूँ, मुझे बिरयानी नहीं मिली। कहाँ पर ये? कहाँ पर है? गली नंबर 6 नंबर 22। दिल्ली? दिल्ली से पहले। यार वहाँ भी वही है वाली बिरयानी, अभी मिलेगी 4 बजे के बाद मिलेगी। अच्छा चलें, अपनी कैसी बिरयानी है जरा चेक करवाएंगे, दिखाएंगे। ये बीफ बिरयानी। सही सही सही। तो वजह जहां से भी मैंने पूछा यही सुनने को मिली कि लोगों में मशहूर मुस्तामिल लफ्ज होता है ना एक उर्दू का, मुस्तामिल वर्ड यही है बिरयानी, लेकिन होता पुलाव है। मैं मौजूद हूँ सेटेलाइट टाउन मक्का मस्जिद चौक पर, और ये दुकान आप पहले भी मेरी एक वीडियो में देख चुके होंगे। मैं ये सोच रहा था शायद इसके अलावा भी बिरयानी कहीं मीरपुर खास में और बिकती हो, लेकिन पूरा मीरपुर खास घूम के आ चुका हूँ, मुझे कहीं बिरयानी नहीं मिली, बल्कि बिरयानी के नाम पर पुलाव मिला। तो ये है रेल जो बिरयानी है, जिसे हमारे कराची वाले दोस्त ढूंढते रहते हैं मीरपुर खास में बिरयानी। तो मीरपुर खास में बिरयानी मिलेगी आपको इस दुकान पर। तो भाई ये है बिरयानी। बिरयानी और पुलाव में फ़र्क क्या होता है, ये बात मुझे शहर में मुख्तलिफ लोगों ने बताई, लेकिन जो इनके ऑनर हैं, जो ये बिरयानी बनाते हैं खुद, उनसे पूछ लेते हैं। सर क्या पता इनके इल्म में हो कि मेरे को खास में और भी कहीं बिरयानी बिकती है या नहीं बिकती। तो इनका जो बावर्ची खाना है जहाँ ये कुक करते हैं बिरयानी, पास ही है वो, तो उनसे जाके पूछते हैं। तो जनाब ये है बिरयानी बनाने का मरहला। चावल बॉयल हो रहे हैं, चावल, हाँ चावल बॉयल होने के बाद इसका पानी निकाल दिया जाएगा। तो वो लोग जिन्हें चावल से इस वजह से मसला होता है कि वो आपको मोटापा करते हैं, तो बॉयल चावल चूँकि बिरयानी में डलते हैं, तो ये पक चुकी है। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये तो सिर्फ बॉयल है, लेकिन इसके नीचे है असल में ये बिरयानी निकली, ये तय वाली, ये मसाला निकला ना जो, ये है जनाब बिरयानी। तो ये पूरे मीरपुर खास में आपको अगर बिरयानी कहीं मिलेगी तो वो सेटेलाइट टाउन में मिलेगी आपको। तो देख रहे हैं आप कैसा रंग निकला है, सफेद और अंदर से जर्द। और ये है जनाब वो ग्रेवी जिसके ऊपर बिरयानी की जो चावल है राइस बॉयल, इनके ऊपर तह लगेगी, तह दर तह, उसके बाद उसकी वो शक्ल आएगी जो दुकान में आप देख रहे थे। तो चले इनसे पूछ लेते हैं कि और बिरयानी की दुकान इन्होंने ही कोई दूसरी शॉप कहीं खोली है या नहीं खोली? हमारी जो दूसरी शॉप है ना वो अभी खोली है, ये अपना कोर्ट के बिल्कुल सामने। अच्छा, मीरपुर खास स्टेशन कोर्ट। बी मीरपुर खास के स्टेशन कोर्ट है, उसके बिल्कुल सामने खोली है नया दुकान लगा रहे बलोच पकवान के नाम से। आपके अलावा और कोई बिरयानी बेचता है या? नहीं, हमारी ये तय वाली बिरयानी सिर्फ हम ही बेचते हैं। बिरयानी असल तो होती तय वाली है, हमारी अपनी कराची में भी जो है ना बिरयानी की शॉप है, और ये बिरयानी कराची की है असल, तय वाली बिरयानी जो है यही कराची की। तो जी मोहतरम ये है बिरयानी, बाकी आपने जितने देखे वो सब पुलाव थे। अब मुझे नहीं मालूम कि ये पुलाव बिरयानी कब बने और बिरयानी यहाँ इतनी मकबूलियत हासिल क्यों नहीं कर सके, लेकिन ये जो मोहतरम हैं लिगारी बलोच पकवान सेंटर वाले, इनकी बहरहाल एक और शॉप खुल चुकी है बिरयानी की मीरपुर खास सेशन कोर्ट के बिल्कुल सामने। अगर आप पाकिस्तान के किसी और शहर से मीरपुर खास आते हैं और बिरयानी खाना चाहते हैं तो सेशन कोर्ट के सामने लिगारी बिरयानी सेंटर या फिर मक्का मस्जिद लिगारी बिरयानी सेंटर पर लजीज बिरयानी आपके मुंतजर है। अली वारिस कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? बुखार है इसको? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, कैसे हो? ठीक हो? हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले इसकी वीडियो बना लो। तो अली वारस छत डल गई है? हाँ डल गई ना छत, ठीक है। तो फाइनली
छत डल गई है। कुछ दिन पहले या इससे पहले जो आपने वीडियोस देखी होंगी उसमें छत नहीं थी, यहाँ पर तरपाल था, बांस थे। तो चले और अच्छा, अल्लाह का ऐसा शुक्र हुआ कि बारिश भी ज्यादा नहीं हुई, वरना मुझे डर था काम चल रहा है कहीं ज्यादा बारिश ना हो जाए। लेकिन ये भी अल्लाह ने खासा करम किया कि यहाँ बारिश ज्यादा नहीं हुई और छत का काम पाया तकमील तक पहुंच गया। और ये वो सारे बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चा तो हमारे मिस्त्री हैं, उनका है, ये इस घर का बच्चा है, ठीक है, ये डिफरेंटली एबल है मेंटली, और ये अली वारस है, ठीक है, और ये हमारी माँ नूर फातिमा है, ऐसे ही मामा, हाँ मामा, ठीक हो, चलो बाजी ठीक है, हो गया तो अच्छा। रेलगाड़ी की, चले भाई रेलगाड़ी की वीडियो बना लेते हैं। हाँ भाई राहिल, हाँ गाड़ी की फोटो आ गई, तो तुम्हारी गाड़ी की फोटो भी आ गई। तो चलें जी यहाँ से चलते हैं, गर्मी तो आज खासी है, हालांकि कल की बनिस्बत मौसम कदरे ठीक है, कुछ हवा चल रही है। हाँ चलें, ठीक है अली वारिस, कहाँ गया अली वारिस, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अली वारिस, फिर आते हैं, ठीक है आ जाओ आ जाओ। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो पर आने के लिए। आज की वीडियो को यहाँ इख्तिताम कर रहा हूँ, लेकिन आज डेथ एनिवर्सरी है सैयद सुल्तान आलम शबाब साहब की। डॉक्टर फिरोज आलम साहब का जिक्र आया होगा, अमेरिका में मुकीम है, आजकल कराची आए हुए, तो मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनसे मुलाकात हो सके। ये उनके भाई थे, मुरादाबाद में पैदा हुए इंडिया में, और पाकिस्तान आ गए, मीरपुर खास में रिहाइश इख्तियार की उन्होंने, और ख्वाहिशें ख्वाब जो अंग्रेज़ी खास तौर पर क्लासिक अदब का गहरा मुताला उसका शौक रखते थे, कुछ अरसा पढ़ाते भी रहे शाह, अपना ये जो स्कूल कॉलेज है एसएल कॉलेज शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज, वहाँ पढ़ाते भी रहे, लेकिन वह मुस्तकिल मुलाजमत उन्हें नहीं मिल पाई, रेलवे गार्ड थे, फिर वापस वहीं आ गए। रिटायरमेंट के बाद वो कराची शिफ्ट हो गए, वहीं उनका इंतकाल हुआ। उनकी गज़ल भी मेरे पास मौजूद थी, बशीर उनवान साहब मीरपुर खास के इस तरह के जो मशाहिर हैं उनके बारे में खासा लिखते रहते हैं फेसबुक पर, तो अगर आप डिटेल जानना चाहेंगे तो एक और वीडियो उनके लिए बनाएंगे। उनकी एक बेटी वाहिद औलाद नुमाना सुल्तान साहिबा डॉक्टर कराची में आई थिंक वो मुकीम होंगी, तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। क्या क्या मशाहिर, क्या क्या नगीने लोग जिनका ताल्लुक मीरपुर खास से रहा है, मैं खुद अब जान रहा हूँ, उससे पहले मैं नहीं जानता था। तो इसके अलावा मोहतरमा फातिमा जिना जिनकी कल डेथ एनिवर्सरी थी, वो मीरपुर खास जब आई थी तो इनकी एक पिक्चर है, वो पिक्चर भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। और क्या ज़माना रहा होगा कि मोहतरमा फातिमा जिना जैसी एक अजीम लीडर, एक अजीम भाई की एक अजीम बहन जिन्हें गद्दार करार दे दिया गया। सर बदकिस्मती अफसोस, इसी नोट पर आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कल मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।